तो पिछले वीडियो में हमने वीकुल 3-in-1 सेल्फी स्टिक को अनपैक किया था, तो यहाँ पर है वो सेल्फी स्टिक। तो बेसिकली ये ट्राइपॉड कम सेल्फी स्टिक है। यहाँ पर नीचे ट्राइपॉड के लेग्स हैं और ये सबसे छोटा लेंथ है जो ट्राइपॉड का हो पाएगा। और जैसे ही आप इसको एक्सपैंड करते हैं यहाँ से, तो ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 60 सेंटीमीटर की आपकी सेल्फी स्टिक हो सकती है और 60 सेंटीमीटर का आपका ट्राइपॉड हो सकता है। उसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पर ब्लूटूथ रिमोट भी दिया है। बात ये रिमोट आया है, इस रिमोट में सेंटर में देखेंगे कैमरा बना हुआ है, वो बटन है। उस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ब्लू लाइट जो ब्लिंक कर रही है वैसे ब्लिंक करेगी। मोबाइल फोन में बी कूल सेल्फी के नाम से आपको ब्लूटूथ दिखेगा। जैसे ही आप उसे कनेक्ट करेंगे ये रिमोट आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप आपके कैमरे को इस ब्लूटूथ रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। आप सेल्फी स्टिक को दूर रखें और इस रिमोट से प्रेस करें तो पिक्चर, वीडियोस, सब कुछ क्लिक कर सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि 113 ग्राम्स का है, जो कि एक एडवांटेज लगता है जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। हमको लगता है कि ठीक है, लाइट वेट होगा तो ज़्यादा इजी टू कैरी होगा। पर ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि आजकल के सारे सेलफोन्स ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स से ज़्यादा के ही आते हैं। और यदि आप उसे इस पर माउंट करेंगे तो पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। और एक और रीज़न है ये इम्बैलेंस हो सकता है, वो रीज़न है ये गैप बहुत कम है। और आजकल सारे फोन्स ऑलमोस्ट 6 इंचेस के आते हैं, विच मीन्स कि यहाँ से सिर्फ 20% या 15% लेंथ ही रहेगी सेलफोन की, वेर इज मोर देन 50% ऑफ द लेंथ जो रहेगी वो अपर साइड में रहेगी, जिसके कारण वेट एक तरफ ज्यादा आएगा। और उसके कारण ये जो ट्राइपॉड है ये इम्बैलेंस भी हो सकता है या शेक कर सकता है। तो मैंने इसे यूज़ किया और मैंने पाया कि जब मैं इसे सेल्फी स्टिक जैसे यूज़ करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे ये जो पाइप है वो शेक होने लग जाता है, जिसके कारण इमेजेस फोकस नहीं कर पाती है। और सिमिलरली जब उसको ट्राइपॉड जैसे यूज़ करो तो लेंथ भी कम पड़ती है ट्राइपॉड जैसे यूज़ करने पे। ये सिर्फ एक लिमिट तक ही आप एज अ ट्राइपॉड यूज़ कर पाओगे। और इसके अलावा मार्केट में इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है इसी रेंज में। ये मुझे पड़ा है कुछ 335 रुपीज़ का। पर आप सिर्फ सेल्फी स्टिक अगर लेते हैं तो आपको 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ की मिल जाएंगी। और सिर्फ ट्राईपॉड अगर आप लेते हैं तो यस 300 रुपीज़ कॉस्ट करेगा वो मिनिमम, पर वो स्टेबल ट्राईपॉड होगा जो आपको यूज़ करने में ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो ये था मेरा रिव्यू फॉर वी कूल 3-in-1 सेल्फी स्टिक। फॉर मोर सच कॉन्टेंट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।